आज जब भारत चहुंओर विकास कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होने के बावजूद भी आज के समय में भी गांव को शहर से जोड़ने वाले रास्तों की दयनीय हालत है। असम के डीमा हसाओ स्वायत्त शासी जिला में स्थित उमरांगसू शहर को आसपास के गांव से आने वाले रास्ते का हाल बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उमरांगसू पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यहां फाल्कोन उत्सव के समय विदेशी पक्षियों को देखने के लिए पूरे राज्य से लोग आते हैं। मेघालय से जवाई असम के लंका व हाफलोंग से यहां पहुंचा जा सकता है। उमरांगसू को सभी मुख्य शहरों से जोड़ने वाले रास्ते भी दम तोड़ चुके हैं। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री और कोयले के लिए चलने वाले ट्रकों ने मुख्य मार्गों की हालत खराब की हुई है, जिसका सामना वर्ष भर आम नागरिक को करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब सभी जगह पक्की सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पहुंचने में ग्रामीणों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उमरांगसू से डिथुर चाय बागान जाने वाला रास्ता मिट्टी का है। बारिश होने के साथ ही कीचड़ युक्त रास्ते पर वाहनों का आवागमन बंद हो जाता है और पैदल चलना भी ग्रामीणों के लिए समस्या है। डिमासा खेलमा कार्बी चाय बागानों में रहने वाले जनजाति लोगों के गांव शिक्षा स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से वंचित रह जाते हैं। समाज सेवी विकास शर्मा ने संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया कि अचानक हुई कोई दुर्घटना हो या आपातकालीन परिस्थितियों में निकट के शहर में जाना भी मुश्किल भरा सफर होगा। ऐसी स्थिति में बच्चों का स्कूल जाना तक मुश्किल हो रहा है। कहीं ऐसी स्थिति में शिक्षा से वंचित ना हो जाए, बारिश के समय में शासकीय विद्यालय के शिक्षक भी नहीं पहुंच पाते हैं। यह चिंता का विषय है। खनिज संपदा से भरपूर गांव तक जाने वाले रास्ते की यह स्थिति गंभीर परिणामों को जन्म देगी। शासन व प्रशासन को थोड़ी गंभीरता से इस बारे में त्वरित निर्णय लेना चाहिए।